आईपीएल 2022 के लीग स्टेजेस के सारे ही मैचेस खत्म हो चुके हैं। 24 तारीख से प्लेऑफ्स खेले जाएंगे और आज हम प्लेऑफ के शुरू से लेकर फाइनल तक के प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आप सभी को बोल देता हूँ कि मेरे प्रेडिक्शन से अगर किसी को भी हर्ट होता है तो उसके लिए मैं आप सभी से अभी माफी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सभी के कोई ना कोई टीम के साथ में इमोशंस और फीलिंग्स जुड़े हुए हैं और मेरा इंटेंशन यहाँ पर किसी को भी हर्ट करना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला जो क्वालिफायर है टॉप की दो टीमों के बीच में खेला जाएगा, यानी कि गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, और इसमें राजस्थान रॉयल्स मैच जीत के सीधा फाइनल में चले जाएंगे और गुजरात टाइटंस को टॉप के टू में होने की वजह से और एक क्वालिफायर खेलने का मौका मिलेगा। 25 तारीख को एलिमिनेटर खेला जाएगा तीसरे और चौथे नंबर की टीम के बीच में, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, और इसमें बेंगलुरु मैच जीत के क्वालिफायर टू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी और लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर वहीं पर खत्म हो जाएगा। 27 तारीख को दूसरा क्वालिफायर खेला जाएगा क्वालिफायर वन की लूजर टीम और एलिमिनेटर की विनर टीम के बीच में, यानी कि गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत के सीधे फाइनल में चली जाएंगी और गुजरात टाइटंस का सफर वहीं पर खत्म हो जाएगा। और 29 तारीख को फाइनल खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में। अब यहाँ पर कहना थोड़ा मुश्किल है कि फाइनल कौन जीतेगा, राजस्थान रॉयल्स या फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। दोस्तों, अगर आप मेरे प्रेडिक्शन से सहमत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से कौन सी टीम फाइनल जीत सकती है, राजस्थान रॉयल्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।